हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय संडे व्लॉग। शायद 2023 की ये लास्ट वीडियो होने वाली है, तो हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। यहाँ पे ना मेरा एक ग्लास टूट गया था, तो मैंने इसको यूटिलाइज करने के लिए सोचा इसमें एक प्लांट लगाते हैं। वैसे मैंने बहुत ही प्यार और दिल से इस ग्लास को लेके आया था, मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इतनी जल्दी टूट जाएगा। अभी जो प्लांट मैं लगा रही हूँ ना, इसका नाम है संजीवनी सदाबहार। इसको लगाने का तरीका बहुत ज्यादा अलग है और इसको लगा के मुझे बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन भी मिला और मैं बहुत ज्यादा खुश हुई एक प्लांट लगा। वैसे तो मैंने पूरा एक शॉर्ट वीडियो बनाया है कि इस प्लांट को कैसे लगाया जाएगा, लेकिन आपको फिर से मैं बता देती हूँ कि पानी के अंदर इसको रात भर डिप करके रख देना है या फिर दिन भर भी रख सकते हो, 24 आवर्स रखना है। ये अच्छे से एकदम खिल जाएगा। अब मैं वेट करूंगी नेक्स्ट डे का, अभी तो मैंने इसको ऐसे ही रख दिया है। अब यार प्लांट लगाने के बाद मैं सीधा वॉशरूम में गई और अपना कपड़ा साफ करना स्टार्ट की। कपड़े सारे मैं नहीं वॉश कर रही हूँ, सिर्फ अपने जितने भी व्हाइट कपड़े थे उनको मैंने आला रिन डाल के अच्छे से भिगा दिया था और उनको ही बस क्लीन करने वाली हूँ। वैसे व्हाइट कपड़ों की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इन पे सारे दाग बहुत जल्दी लग जाते हैं और ये बहुत जल्दी गंदे होते हैं, और ठंडियों में यार एकदम मॉर्निंग में कपड़ा धुलने का मन नहीं करता। इसीलिए अभी मैंने थोड़ी लेट में स्टार्ट किया जब हल्की हल्की धूप निकल गई है। डेली तो सारे कपड़े वॉश कर लेती हूँ, लेकिन व्हाइट कपड़े को साफ करने के लिए एक अलग ही टाइम चाहिए होता है, क्योंकि उनको अच्छे से रब करना होता है सारे दाग को छुड़ाने के लिए, अच्छा खासा टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे अपने और सारे कपड़े भी जो मैंने अलग से रखे हुए थे उनको भी वॉश कर लिया। कपड़े धुलने के तुरंत बाद मैंने अपना हेयर वॉश कर लिया है। स्मूथनिंग के बाद थोड़ा सा प्रोसेस लंबा हो जाता है हेयर वॉश करने का, और उसके बाद मैं शावर लेने से पहले अपना माउथ वॉश करने वाली हूँ। मैं डॉक्टर से रिकमेंडेड माउथ वॉश यूज़ करती हूँ, आपको जो पसंद हो आप वो यूज़ कर सकती हो। डिलीवरी बॉय आ गया है एक रिटर्न पार्सल लेने के लिए, तो उसको भी देने जाना पड़ेगा मुझे। वैसे मेरे गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मुझे रेगुलर माउथ वॉश यूज़ करना पड़ता है। जब मैं छोटी थी तो मुझे लगता था ना, बाहर रह के जब हम अकेले रहते हैं तो हमें डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करना पड़ता है, और मैं बहुत खुश होती थी ये सोच के, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, आपका काम बढ़ता है, आपके ऊपर वर्क लोड बढ़ता है ना, आप अपने आप अपने डिसिप्लिन में मेंटेन कर लेते हो खुद को, और वो आपको करना ही पड़ता है। बल्कि घर वालों के टोकने से ज्यादा ना आप अपने आप को खुद से डिसिप्लिन रखते हो, क्योंकि आपके ऊपर घर वालों के अलावा किसी और का प्रेशर होता है, वो होता है कॉलेज, वो होती है आपकी ऑफिस, बहुत सारी चीजें। जैसे जैसे टाइम बीतता है वैसे वैसे आपको सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का पता चलता है। शार्ट लेके मैं रेडी हो चुकी हूँ बाहर जाने के लिए, लेकिन उसके पहले थोड़ी सी स्किन केयर करने वाली हूँ, और बाहर जाने वाली हूँ शूट करने के लिए, उसी बहाने थोड़ी सी आउटिंग भी हो जाएगी। और जाने कहाँ वाली हूँ, कॉलेज के ही पास एक हाईवे है, बहुत अच्छा लोकेशन है, वीडियोस वगैरह वहाँ पे बहुत अच्छी बन जाती हैं। अक्सर मैं जब भी वीक ऑफ होता है मेरा ना, उस दिन मैं बाहर जरूर जाती हूँ घूमने के लिए, क्योंकि अपने मेंटल पीस के लिए बाहर जाने से अच्छा और कोई ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। मैं कितनी भी जल्दी में रहूं, लेकिन दो स्टेप वाला स्किन केयर बिल्कुल भी स्किप नहीं करती। एक तो हो गया टोनर और दूसरा मॉइस्चराइजर, और ठंडियों में तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हेयर वॉश किया है तो अपने हेयर्स में अप्लाई करने वाली हूँ लेवॉन का सीरम। और यार लेवॉन का सीरम मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आप लोग बताना आप लोग अपने हेयर्स में कौन सा सीरम यूज़ करते हो। लेवॉन के सीरम की एक खास बात है, इसको लगाने के बाद बिल्कुल भी चिपचिपा सा नहीं फील होता है। मेरी एक बात मानना, आप कितने भी जल्दी में हो अपने हेयर्स को ब्लो ड्राई बिल्कुल मत करना। नेचुरल एयर में अपने हेयर्स को हमेशा सुखाने की ही कोशिश करना। अगर आप बहुत ज़्यादा ब्लो ड्रायर का यूज़ करोगे ना, आपको उसकी परेशानी झेलनी पड़ेगी बाद में, और आपके हेयर्स बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगे। और एक दूसरी चीज़ ये है मेरी कि अपने हेयर्स में अगर गीले हैं तो कभी भी कोम मत करना। ये दो मिस्टेक मैंने बहुत ज़्यादा करी हुई हैं और इसका भुगतान तो मुझे करना ही पड़ रहा है। बाकी मेरे हेयर्स की कंडीशन का एक वीडियो आएगा, उसको आप लोग बिल्कुल स्किप मत करना।
मेरे बाल 100% ड्राई नहीं हुए हैं, तो अपने हैंड में एक स्क्रंची लगा के मैं चल दी यहाँ पे हाईवे पे आ गई। हेयर्स को मैंने टाई नहीं किया वरना ये अच्छे से सूख ना पाते। और यार यहाँ आने के बाद तो रील शूट करने का भी मन नहीं कर रहा था, क्योंकि इतना ज़्यादा सुकून मिल रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। मेंटल पीस चाहिए तो आप ऐसे लोकेशन पे जाओ, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये लोकेशन मेरे कॉलेज के पास की ही है, तो जिस दिन मैं फ्री होती हूँ यहाँ पे ज़रूर आ जाती हूँ। और यहाँ पे आके बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोज़ भी शूट हो जाते, जैसा कि मैंने आपको बताया। और यहाँ पे मैं खुद के हेयर्स को, खुद की ड्रेस को बहुत ज़्यादा फ्लॉन्ट कर रही थी, मुझे अच्छा लग रहा था। थोड़ा टाइम हाईवे पे एक्सटेंड किया, उसके बाद मैं वापस लौट रही थी कॉलेज की तरफ। और यार यहाँ जाने से पहले मैंने बिस्किट खा के चाय पी लिया था, बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन था। बाय द वे मुझे पसंद नहीं, लेकिन इन दोनों में अच्छा लग रहा है। फिर मैं क्राउन मॉल गई और यहाँ पे क्रिसमस का टाइम चल रहा है, तो बहुत सारे गिफ्ट मिल रहे थे और मैं देख के बहुत खुश हो रही थी। छोटे छोटे बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे थे यहाँ पे। अब देखते देखते शाम हो गई, तो मैंने सोचा चलो डोसा खा लिया जाए। डोसा खाने के बाद मैंने अपना प्लांट चेक किया, ये बिल्कुल भी खिला हुआ नहीं था, तो मैंने एक अपने लिए आंवला कट किया और इसको खा लिया। इसको खाने से हेयर्स मजबूत रहते हैं, यही सोच के मैं खा लेती हूँ, वैसे मुझे खाना बिल्कुल नहीं पसंद है। रात हो गई है, अब चलते हैं सोने। और नेक्स्ट डे उठकर मैं देखी तो यहाँ पे मेरा फ्लावर खिल चुका था बहुत ही अच्छे से। और इसी के साथ मेरी दूसरी वाली गुड मॉर्निंग भी हो चुकी थी। बाय द वे गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय, लव यू ऑल।